जय श्री कृष्ण सभी को। सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव अग्निहोत्र करके दिखाऊंगा कि अग्निहोत्र किस प्रकार से करा जाता है, अग्निहोत्र का क्रम क्या है, अग्निहोत्र में कैसे पात्रों का यूज करना होता है। ये मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने ये समझाया कि किस प्रकार के पात्रों का उपयोग हमें अग्निहोत्र में करना है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी लाइव प्रक्रिया को समझेंगे कि किस प्रकार अग्निहोत्र हम कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र हम दो समय करते हैं, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय के समय का जो अग्निहोत्र है वो आप सूर्योदय का जो टाइम है, जो एग्जैक्ट मोमेंट है सनराइज का, उसके 5 मिनट पहले चालू करेंगे। और सूर्यास्त का जो अग्निहोत्र है वो सनसेट का जो एग्जैक्ट टाइम है उसके 5 मिनट पहले आप चालू करेंगे। सूर्योदय के अग्निहोत्र में आप ईस्ट फेसिंग होकर बैठेंगे और सूर्यास्त के अग्निहोत्र में आप नॉर्थ फेसिंग होकर बैठेंगे। तो सर्वप्रथम अग्निहोत्र में हम घी की आहुति प्रदान करते हैं, जो तीनों लोकों की आहुति होती है। ये 3 मंत्रों के द्वारा प्रदान करी जाती है और 3 बार प्रदान करी जाती है। उसके बाद जो एग्जैक्ट सनराइज का मोमेंट होगा और सनसेट का मोमेंट होगा वहां पर हम 2 चावलों की आहुति प्रदान करते हैं। तो यहां पर मैं आपको सनराइज वाला अग्निहोत्र बता रहा हूं कि किस प्रकार हम सनराइज वाला अग्निहोत्र कर सकते हैं। एक डेमो के माध्यम से आप ये समझेंगे। सनसेट का जो अग्निहोत्र है उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कहां पर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप एक आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने अग्निहोत्र का पूरा सामान व्यवस्थित रख लें। इसके बाद हम आचमन करेंगे। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से आप हाथ धो लेंगे और हाथ पोंछ लेंगे। आचमन के बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और यहां पे मैं सनराइज वाला अग्निहोत्र कर रहा हूं, तो दीपक ईस्ट की तरफ है और मेरा जो फेसिंग है वो भी ईस्ट की तरफ है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपक से प्रार्थना करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसके बाद हम घी वाले पात्र को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। घी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब इसके बाद हम अग्नि की स्थापना कुंड में करेंगे। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अग्नि की स्थापना जब हम कुंड में करेंगे तो उसमें माचिस का प्रयोग कुंड के अंदर नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये केमिकल है। अग्निहोत्र कुंड के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दीपक के माध्यम से कपूर का उपयोग करके अग्नि की स्थापना यहां पर करेंगे। तो अग्नि की स्थापना के लिए सबसे पहले हम देसी गाय के कंडे को अग्निहोत्र कुंड में डालेंगे और उसके ऊपर फिर हम अग्नि की स्थापना करेंगे। अग्निहोत्र में हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी भी
कंडे को अखंड स्वरूप में कुंड के अंदर नहीं डाला जाता, तो इसे आपको तोड़ के डालना होगा। इस प्रकार से आप टुकड़े कर लीजिए और जो बड़ा टुकड़ा है उसे हम कुंड के अंदर डालेंगे इस प्रकार से। और यहां पर अब हम अग्नि की स्थापना करेंगे कपूर के माध्यम से। ओम अग्नि मीले पुरोहितै यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्न धाता मम ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। तो इस प्रकार अग्नि की स्थापना करने के बाद हम तीनों लोकों की आहुति देंगे और यह आहुति तीन मंत्रों के द्वारा दी जाएगी, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, और जो चौथा मंत्र है वो प्रजापति की आहुति है और ये हमें तीन बार रिपीट करना है। तो घी के माध्यम से ये आहुति हम प्रदान करेंगे। भू स्वाहा अग्नये इदं न मम, भुवस्वाहा वायवे इदं न मम, स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम। भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद दो बार और। भू स्वाहा अग्नये इदं न मम, भुवस्वाहा वायवे इदं न मम, स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम। भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम, भू स्वाहा अग्नये इदं न मम, भुवस्वाहा वायवे इदं न मम, स्वस्वाहा सूर्याय इदं न मम। भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतये इदं न मम। इस प्रकार हमने तीनों लोकों की और प्रजापति की आहुति यहाँ पे प्रदान करी घी के माध्यम से। अब जो अग्निहोत्र का एग्जैक्ट समय होगा उस समय आप चावलों की आहुति देंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि ये जो आहुति है ये एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट के समय पे दी जाएगी। यहाँ डेमो मैं अभी आपको दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी यहाँ पे आहुति दे रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट के समय यह आहुति प्रदान करनी है। तो चावल जो है आपके चावल अखंड होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए और ऑर्गेनिक होने चाहिए। तो चावलों में थोड़ा सा घी यहाँ पे हम मिश्रित करेंगे इस प्रकार से और चावलों से हमें दो आहुति प्रदान करनी है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब आप सूर्योदय के समय अग्निहोत्र कर रहे हैं तो आप जो आहुति प्रदान करेंगे वो इस प्रकार होगी। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। जब आप सनसेट के समय में अग्निहोत्र कर रहे हैं तो सूर्याय स्वाहा की जगह अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम,
प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम, इस प्रकार से आप आहुति देंगे। तो सनराइज के समय में हम पहली आहुति चावलों की लेंगे इस प्रकार मृगी मुद्रा में, और सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं न मम, आपको सिर्फ अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना है। प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम, जो चावल बच गए हैं उन्हें भी आप कुंड में डाल दीजिए। चावलों की आहुति देने के बाद 8 मिनट तक आपको आंखें बंद करके ध्यान करना है, और अग्निहोत्र की जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहनी चाहिए, तो आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। और एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद आप सामग्री की आहुति देंगे। सामग्री को हम चांदी के बर्तन में अगर रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, अगर चांदी का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप इस तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं। तो सामग्री में सबसे पहले हम थोड़ा सा घी मिश्रित करेंगे, शहद ऑलरेडी इसमें मैंने मिश्रित करी हुई है, और हम इसे मिला लेंगे। ये जो आहुति है ये या तो आप गुरु मंत्र के माध्यम से दे सकते हैं 5 आहुति या 11 आहुति, या आपके पास अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप गायत्री मंत्र के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर आप गायत्री मंत्र की दीक्षा भी अगर आपको नहीं प्राप्त हुई है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र के माध्यम से हर कोई दे सकता है। तो 5 आहुति हम देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो इस प्रकार यहां पे हमने सामग्री से भी आहुति दे दी है। इसके बाद आप कुछ देर और यहां पे मेडिटेशन करिए जब तक ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और आप यहाँ पे कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि पूरी सामग्री पूरे कंडे जो है वो प्रॉपरली भस्म में परिवर्तित हो जाए। इसके पश्चात आप अग्निहोत्र कुंड को थोड़ा सा हिला दीजिए स्टैंड से इस प्रकार से, और अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल आप छोड़ दीजिए, और इसे अपनी आंखों और अपने माथे से स्पर्श कर लीजिए। अब आप चाहें तो उठ सकते हैं, या जब तक अग्नि यहां पर है तब तक आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अग्निहोत्र में जो भस्म बचेगी इस भस्म को छानकर आप अपने किचन में किसी कंटेनर में इसे स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि इस भस्म में जो सृष्टि के जितने तत्व हैं वो सब इस भस्म में समाहित हो जाते हैं। और इस भस्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप इस भस्म का उपयोग फल और सब्जियों को वॉश करने के लिए कर सकते हैं। आपके घर में बाहर से जो फल सब्जी आती है उसको इस भस्म के पानी में आप वॉश कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करा गया है उन सब का जो दुष्प्रभाव है बहुत कम हो जाएगा, और फल और सब्जियां जो हैं वो सात्विक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूजेस हैं भस्म के, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा।
इसी प्रकार से अग्निहोत्र आपको डेली करना है और आप सूर्योदय सूर्यास्त दोनों समय कर सकते हैं या किसी भी एक समय कर सकते हैं। समय का यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि चावल की जो आहुति है वो एग्जैक्ट सनराइज और सनसेट के समय पे जाएगी और जो सामग्री की आहुति है वो अग्निहोत्र होने के बाद यानी कि चावलों की आहुति के 8 मिनट बाद आपको 5 आहुति या 11 आहुति कुंड के अंदर डालनी है। तो इस प्रकार से आप अग्निहोत्र डेली करिए और एक वेबिनार भी हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको अग्निहोत्र के ऊपर जो साइंटिफिक रिसर्च करी गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण।